लोग तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। मैं अनवर कमाल साहब को आवाज देना चाहता हूं। इन चार मिसरों के साथ अनवर कमाल साहब का इस्तकबाल है मुनव्वर राणा के इन चार मिसरों के साथ कि सारी दुनिया में कलमकारों की वक्त गिर जाए, सारी दुनिया में कलमकारों की वक्त गिर जाए। मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए, सारी दुनिया में कलमकारों की वक्त गिर जाए। मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। और ये भी मुमकिन है मयसर नहीं हो पाऊं तुमको, और ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत मिल जाए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम अनवर कमाल साहब। मैं बिला तमहीद शेर देखें, पहले तहत में पढ़ता हूँ कि हवेलियों के मकीनों से नाम पूछते हैं। हाँ सुनिएगा सुनिएगा सुन लीजिएगा पढ़िएगा सर। हवेलियों के मकीनों से नाम पूछते हैं, है आप कौन ये मेरे गुलाम। अनवर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, जोरदार तालियां भाई। हवेलियों के मकीनों से नाम पूछते हैं, है कौन है आप कौन ये मेरे गुलाम पूछते हैं। शेर देखें के नया रईस है, नया रईस है अपना मुकाम क्या जाने। नया रईस है अपना मुकाम क्या जाने, वकार ताज का अदना गुलाम क्या जाने। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, फिर से पढ़े अनवर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छी शायरी हो रही है, वाह वाह वाह। नया रईस है, नया रईस है, नया रईस है अपना मुकाम क्या जाने, वकार ताज का अदना गुलाम क्या जाने। ये रात फिर नए सूरज से हार जाएगी, ये रात फिर नए सूरज से हार जाएगी, मैं एक जुगनू हूँ ये ढलती शाम। देखिए मैं तरन्नुम से पढ़ता हूँ और मुशायरे में ज्यादातर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार के लोग मुझे तो ये भी नहीं जानते हैं कि मैं बिहार का हूँ, ये बड़ी गलत बात है मेरे लिए। बहरहाल बड़ी खुशी हुई सुपौल का आना, बहुत खुशी का बास है मेरे लिए। इतनी खूबसूरत कपास की खेती, धान की खेती पहली बार देखा इतने तरफ में, इतना अच्छा लगा है मुझे, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। बहरहाल मतला देखिए, मेरा ये काम कर दिया जाए। नसीम साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ये काम कर दिया जाए, किसके लिए कह रहा हूं ये नहीं बताऊंगा। मेरा ये काम कर दिया जाए, दिल मेरे नाम कर अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या लतीफ इशारा है भाई, बहुत शुक्रिया। ये महसूस हो रहा है कि बहुत दिन से यहां मुशा, अरे यार क्या बात है यार, जिंदाबाद, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबको। मेरा ये काम कर दिया जाए, मेरे बहुत शुक्रिया। मेरा ये काम कर दिया जाए, मेरा ये काम कर दिया जाए, दिल मेरे नाम कर दिया जाए। देखिए आजकल रील का जमाना है, मोबाइल पे अब वीडियो कौन देख रहा है, यूट्यूब खत्म हो रहा है, फेसबुक पर ही अब सब रील चल रहा है, तो शायरों को भी मजबूरी है अब पूरी गजल नहीं सुनाते हैं। गजल का एक मतला दो, एक मतला एक शेर, ये भी जरूरी हो गया है। शेर देखें, अब मेरे इश्क के फसाने को, अब मेरे इश्क के फसाने को, अब मेरे इश्क के फसाने को, तश्त अज़बाम कर दिया जाए। अरे भाई जिंदाबाद
برداشت کر سکتا ہوں کیا بات یہ اچھی شاعری میں خدا کی قسم علی جناب محب اللہ صاحب کو بہت مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں سجاد نقوی صاحب کو ہزاروں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس مشاعرے میں اتنی عمدہ فہرست کا انتخاب کیا ہے جن کو صدیوں یاد رکھا جائے گا زوردار تالیوں سے استقبال کریں محترم کا بہت شکریہ تس تس بام کر دیا جی اب میرے عشق کے فسانے کو لیکن جس شعر کو کہنے کے لیے میں نے یہ غزل کی کہی ہے وہاں تک بھی پہنچوں گا انشاءاللہ اب میرے عشق کے فسانے کو اب میرے عشق کے فسانے کو تشت و زبام کر دیا جائے اور وہ شیر جہاں میں پہنچنا جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں شیر دیکھیں میں بھی گمنامیوں سے ڈرتا ہوں میں بھی گمنامیوں سے ڈرتا ہوں میں بھی گمنامیوں سے ڈرتا ہوں مجھ کو بدنام دیا زوردار تالیاں ہوں آپ کی بھائی بہت مضبوط شعر بہت مضبوط شعر انور بھائی پھر سے پڑھیے گا زحمت کیجیے گا ایک ہزار روپیہ عبد الحمید صاحب کی طرف سے شمال انڈسٹری کے ڈائریکٹر سب مل کے بھائی یہ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے خدا کی قسم آپ یہ یقین تو کریں کہ اچھے لوگ سچے لوگ باذوق لوگ داد دے رہے ہیں آپ کس چکر میں پڑے بجائیے زوردار تالیاں یار ایک مرتبہ آپ جی بہار کا ہوں بہار کے باہر جاتا ہوں اکثر نکہت صاحبہ کے ساتھ میں نے باہر مشاعرہ پڑھا ہے پوچھتے ہیں کہاں کے ہیں میں کہتا ہوں بہار سے ہوں مدھوبنی سے ہوں تو کہتے ہیں ہاں بہار کے شاعر باہر نہیں آتے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوکل شاعر ہیں ان کو ہم لوگ مشاعرہ کر کے ان کو موقع نہیں دیتے انہیں موقع دینا ضروری ہے تاکہ یہ ہماری بات کے لوگ آگے بڑھیں جی شعر دیکھیں پھر سے کہ میں بھی گمنامیوں سے ڈرتا ہوں میں بھی گمنامیوں سے ڈرتا ہوں میں بھی گمنامیوں سے ڈرتا ہوں مجھ کو بدنام کر دیا جائے دیکھیے مختلف رنگ کی شاعری ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے یہاں ڈائس پر کافی شاعر موجود ہیں شاعرات موجود ہیں سب کا الگ رنگ ہے آپ بھی سب رنگوں کا مزہ لیں تبھی مزہ آتا ہے کہ سب رنگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیے میں کچھ الگ رنگ کی پھر شاعری کر رہا ہوں جی مطلع دیکھیے پڑھیے گا جیتنے کے لیے کچھ کیا کیجیے 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 کچھ دوا کیجیے کچھ دعا ارے یار ایسا لگ رہا ہے کہ اندازے بجائے اور کیا مشاعرہ ہو رہا ہے زوردار تالیاں بجائے آپ سب بہت اچھے جی بھائی انور صاحب کو انعام دینا جائز ہے اور اس کا پروف کیا ہے ڈاکٹر تبریز صاحب نے یہ انور صاحب جی جیتنے کے لیے کچھ کیا کیجیے جیتنے کے لیے کچھ کیا کیجیے جیتنے کے لیے کچھ کیا کیجیے کچھ دوا کیجیے کچھ دعا کیجیے
मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं आप लोगों को वहां तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे। आप शेर देखें। सुन ही लेते हैं हम आपके मन की बात, सुन ही लेते हैं हम जी जहां तक पहुंचाना चाहता हूं पहुंच जाएं। सुन ही लेते हैं हम आपके मन की बात, सुन ही लेते हैं हम आपके मन की बात, सुन ही लेते हैं हम आपके मन की बात, आप भी तो हमारी सुना। वाह वाह भाई क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, जहमत कीजिएगा फिर से। अनवर साहब, साजिद भाई नागालैंड वालों ने 500 रुपए दिए, बहुत शुक्रिया भाई। वाह, अच्छा फिर से कहने के लिए कहा गया है, शेर सुने। सुन ही लेते हैं हम आपके मन की बात, सुन ही लेते हैं हम आपके मन की बात, सुन ही लेते हैं हम आपके मन की बात, आप भी तो हमारी सुना कीजिए। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। लेकिन ये शेर बड़ा हसास है, हमारे दिल का दर्द भी है, आपके दिल का दर्द भी है, इस शेर को मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचे। शेर देखें। कोयल जी, असलम परवाना साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, मैं कहना भूल गया था, मैं बोलना भूल गया था, माफी के साथ। बड़ी खूबसूरत निजामत हो रही है और बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहिबुल्ला साहब कि इतना अच्छा मुशायरा उन्होंने मुनक़िद किया है, बहुत शुक्रिया। शेर देखें, बड़ा हसास शेर है। कि कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, 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 इन परिंदों को अब तो रिहा। फिर अगर पढ़े तो आपकी तालियां भी पढ़वाएंगे इनको जी। इफ्तिखार साहब नायब मुखिया चिट्ठी, डॉक्टर नूरुल इस्लाम साहब सातन पट्टी और मुर्तजा साहब, इन तमाम लोगों का शुक्रिया, और सज्जाद आदमी साहब इंडियन एक्सिस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, आपका बहुत शुक्रिया ये खूबसूरत मुशायरा सजाने के लिए। जिला शाहपुर वालों, आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, बस मैं ये चाहता हूँ की इस मुशायरे को मजीद खूबसूरत बनाया जाए और एक जोरदार तालियां इस मुशायरे को और आप जिंदगी के साथ आगे बढ़ाए। देखिए एक मतलब पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ दो। अच्छा है सर, आप लोगों को सलाम है अपनी अच्छी शायरी सुनने के लिए। वाह बहुत खूबसूरत सामईन। कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, कोई इल्जाम साबित, कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, इन परिंदों को अब तो यार क्या बात है, ज़ाविया बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ, देखें जी अता करें नवाजिश। पेड़ों की हर एक शाख खिलाने पे तुला है, पेड़ों की हर एक शाख खिलाने पे तुला है, पेड़ों की हर एक शाख हिलाने पे तुला है, पेड़ों की हर एक शाख हिलाने पे तुला है, पागल है परिंदों को उड़ाने पे तुला है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। पागल है परिंदों को उड़ाने पे तुला है, पेड़ों की हर एक शाख हिलाने पे तुला जिंदाबाद। और ये शेर जिंदाबाद, ये शेर भी देखें। खो जाए न रंजिश में कहीं प्यार की खुशबू, वाह। खो जाए न रंजिश में कहीं प्यार की खुशबू, खो जाए न रंज
जिसमें कहीं प्यार की खुशबू खो जाए, नरंजिश में कहीं प्यार की खुशबू, वो फूल को पत्थर से लड़ाने। कितनी आहिस्तगी के साथ अच्छे शेर पढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ के अपनी जगह ले लेता हूँ। अनवर कमाल साहब, अच्छी और सच्ची शायरी के लिए आपको फिर से मुबारकबाद। वाकईतन आपने तखल्लुस का जो इंतखाब किया है वो इसमें बामुसम्मा है। एक मरतबा जोरदार तालियां बनती है अनवर कमाल साहब के लिए। पढ़ें सर। जी तो मैं वैसे रूमानी शायर के मतलब मुझे लोग रूमानी शायर जाना जाता हूं मैं मुशायरों की दुनिया में, लेकिन ये रंग भी है मेरा। जी आप चेहरे से रूमानी हैं। जी जी जी। तो रूमानी शायरी सुनना चाहेंगे या वही जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरह की शायरी सुनना चाहेंगे? मैं एक मतलब एक शेर पढ़ूंगा। जी बड़ी अता कर। तो मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। जी अता करिए। देखिए, कफस के परिंदों कपर काट देंगे, कफस के परिंदों कपर काट देंगे, ये पिंजड़े के पंछी कपर काट देंगे, ये पिंजरे के पंछी कपर काट देंगे, कफस के परिंदों कपर काट देंगे, झुकाओगे सर जो ये सर काट देंगे। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, जगह ले लूंगा मैं। जी अता करिए। छपेगी खबर उनके आहों की, लेकिन छपेगी खबर उनके आहों की, लेकिन छपेगी खबर उनके आहों की, लेकिन तेरे कत्ल की ये खबर काट दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत।